दोस्तों YouTube की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, जहां पर कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे YouTube की तरफ से YouTube के जो स्ट्राइक फीचर होते हैं वहां पे वो कुछ अपडेट किए हैं उसमें, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि होगा आपके कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के ऊपर और आपके जो कॉपीराइट स्ट्राइक जो होता है उसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ कि क्या वो अपडेट दिए हैं और क्या वो इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपडेट आया है कि आपके जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होते हैं वहां पर आपको जो मतलब कि अगर आप एक वीडियो अपलोड करते हैं अगर आपका वहां पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता था तो वहां पे आपको 90 डेज तक आप अपलोड नहीं कर सकते थे कोई भी वीडियो। तो यहां पर एक अपडेट आया है YouTube की तरफ से कि अगर आपका वो कोई भी केस होता है मतलब कि हर एक यूजर मतलब कि अभी जितने सारे यूजर्स हैं अभी उसमें आपको 25 फरवरी से मतलब कि स्टार्ट होगा ये, अगर आपका उसके बाद 25 फरवरी के बाद अगर आपका कोई भी वीडियो में आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगता है, अगर आपका फास्ट स्ट्राइक लगा होगा तो आपका वीडियो आप 1 वीक तक नहीं अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि मैं अगर यहाँ पे लाइव मतलब कि मैं यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल खोला जहां पे कि मैं लाइव करता हूं और ये भी हो सकता है कि मेरा पहले से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो यहां पे क्या होगा, और आपका ये भी मन में क्वेश्चन होगा कि क्या और एक नया अपडेट आया है कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर, तो उसका मैं आपको रिप्लाई देता रहूंगा। तो चलिए पार्ट 2 में चलते हैं और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है और वहां पे मैं आपका सभी क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं।